हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो सुबह का टाइम है और आरुषि की शरारतें जो है वो शुरू हो चुकी है। आरुषि हेलो बोल दे। आरुषि अभी आरुषि का हेलो बोलने का मूड नहीं है, चली गई है अंदर। ये देखिए, और माँ आज बना रही है यहाँ पर लड्डू। लड्डू है चावलों के आटे के, वो हमारे पास चावल रखे हुए थे तो वो हमने पिसवाए थे, तो उसी का ये आटा है। अभी मैं आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ। और जो मैंने मावा निकाला था दूध का, वो इसी में डालने के लिए निकाला था। तो लड्डू बनाए जाएंगे आज, देखिएगा किस तरीके से। तो सारी चीज़ें मैं आप सबके साथ में शेयर करूँगी। और फिर बनानी है मुझे आम की सब्ज़ी। हमने लिया है सुबह के टाइम इस तरीके का कच्चा आम, जो छोटे छोटे से आंधी तूफान में झड़ जाते हैं, तो जिनके बाग होते हैं वो इन्हें भी सेल कर देते हैं। तो अभी सुबह के टाइम ही आया था और उसी पे से लिए हैं। और ये मैंने काट कर रख लिए हैं। सबसे पहले इनका जो है, इन्हें मैं उबालूँगी। ये देखिए, इस तरीके से काट कर रख लिया है मैंने। अब मैं इन्हें थोड़ी देर में उबलने के लिए रखूँगी। जब भी चूल्हा खाली हो जाएगा तो मैं इन्हें उबाल लूँगी, या फिर गैस के चूल्हे पर उबाल लूँगी, क्योंकि यहाँ पर तो काम होगा लड्डुओं का। तो चलिए करते हैं आप सबके साथ में शेयर कि चावलों के लड्डू किस तरीके से बनते हैं और माँ किस तरीके से बनाती है। तो यहाँ पर माँ ने जो है आटे को भूनने के लिए रख दिया है, और आँच ज़्यादा तेज नहीं रखी है। ये कह रही थी कि लग जाएंगे, नहीं तो इसमें आटा लग जाएगा। तो देखिए, थोड़ा थोड़ा सा ये चावलों का आटा जो है वो भून चुका है, इसका कलर चेंज हो रहा है। क्या डाल लेंगे माँ इसमें, शक्कर या चीनी? शक्कर ले रहे हैं। शक्कर छानू तो है, वे डली काम आ जाएगी। खाने के काम आ जाएगी। तो यहाँ पर जो है माँ ने इसे फटाफट से चलाना शुरू कर दिया है और हेलो बोल रही है माँ आप सबको। है शक्कर, और शक्कर का जो मोटी मोटी की डली है वो हम ऊपर निकाल लेंगे, और जो नीचे का वो बारीक सा है वो चावलों के साथ में खाने में अच्छा लगता है, उसे अलग कर लेंगे छान कर। और देखिए आरुष जो है कनस्तर का ढक्कन उठाकर देख रहा है इसमें क्या है, और अभी ये मेरे पास आ गया है, डब्बे में झाँक कर देख रहा है कि मम्मी इसमें क्या ले रही है। तो इन बच्चों को इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता होता है, तो इन्हें अचंभा सा होता है देखने के बाद में कि ये क्या है, खाने की चीज़ है ये क्या है। लेकिन ये हाथों में ले लेकर ज़रूर देखते हैं, जैसे नाच को भी खेलते हैं। और देखिए आटे में लगा हुआ है, इधर इस कनस्तर में हमारा चावल का आटा है जो हमने पिसवा कर रखा है, क्योंकि हम कभी कभी जो है इसकी रोटियां बनाते हैं साग के साथ में। और डली मैंने इधर निकाल ली है, ये देखिए, और बारीक छनी हुई शक्कर जो है वो हमारे चावल खाने में काम आ जाएगी। जब चावल बनाते हैं तो उसमें घी में शक्कर को मिलाकर रख लेते हैं, और सभी पसंद करते हैं। गाँव का देसी खाना होता है क्योंकि ये बूरे से अच्छा लगता है। और इधर आटा भून चुका है, अभी माँ जो है चाशनी रखेंगी। तो शक्कर की जो डली है वो मैंने पानी में डाल दी है, यहाँ पर इन्होंने एक टिफिन पानी ले लिया था। और चाशनी इधर पक रही है, थोड़ा सी खदक गई है क्योंकि डली थी शक्कर की तो जल्दी ही हो गई। तो इधर आटा भी जो है वो छन चुका है। तो इधर माँ जो है वो आटा छान रही है एक साइड में, और मैंने चाशनी को जो है चलाना शुरू कर दिया है। और इसके जो एक्स्ट्रा जो झाग से निकल कर आ रहे हैं इसमें एक साइड में, तो वो मैं निकाल दूँगी इसमें से। और एक डब्बा रखा है मेरे पास में, मैं वो सारे के सारे ये झाग जो है निकाल निकाल कर इसमें ही डालती रहूँगी। और आटा छन चुका है और चाशनी भी लगभग पक चुकी है। ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसके ऊपर ऊपर का निखारी कर दी है, निखारी बोलते हैं। तो माँ कह रही थी कि हम तो पहले शक्कर के ही बनाते थे, अब तो पता नहीं कोई क्या डालता है, लेकिन इस तरीके से बनाते थे, टेस्टी भी होते थे और ताकतवर भी होते थे। और पहले लोग ज़्यादा खाया करते थे मट्ठे के साथ में, ज़्यादा सारी चीज़ें पसंद करते थे खाना। और जो खेत में काम करने वाले हैं वो खेत में भी ले जाकर खाते थे मट्ठा और ये वाले लड्डू। तो यहाँ पर मावा जो है इन्होंने डाल लिया है,
मावा थोड़ा सा ही निकला था, क्योंकि आप सबको पता ही है भैंस हमारी कम दूध देती है और वो भी तीसरे टाइम में देती है। तो माँ देख रही थी कि चाशनी हो गई है या नहीं, तो वही ये चेक कर रही थी। मैं बोल रही थी इनसे कि इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, तो माँ कह रही थी कि ये जब तार छोड़ने लगेगी तो इसे हम उतार कर ठंडी करके तभी इसमें डालेंगे आटे में। तो जब तक जो है माँ उसे आटे को जो है मावे में अच्छे से मिला लेगी। और देखिए इन्होंने इसे मसलना शुरू कर दिया है चमचे से, जिससे कि मावा जो है आटे में मिक्स हो जाए। और फिर इसकी इस तरीके से बनाने से गांठें नहीं पड़ती हैं लड्डू में। तो चाशनी को मैंने नीचे उतार दिया है, अब मैं इसे थोड़ा सा चलाती रहूँगी थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ देसी घी, और हमने इसमें देसी घी भी मिलाया है 1 चमचा। और इधर मैंने आम जो हैं जो कच्चे आम काट कर रखे थे वो उबलने के लिए रख दिए हैं। और उबाल कर इन्हें इसलिए बनाते हैं क्योंकि इनमें पीप होता है, छोटी आम में कच्चे में जो जड़ी हुई आम भी होती है उनमें पीप होता है, तो वो पीप जो है सब निकल जाता है। तो और बनाने में भी आसानी होती है, बस इसमें हमें फिर छोंकना रहता है और थोड़ा सा कड़ाना रहता है क्योंकि खटास इनका सारा निकल जाता है उबालने से। और इस तरीके से आम अच्छे बनते हैं, टेस्टी लगते हैं खाने में, खट्टे मीठे आम ही हमारे यहाँ पर पसंद करते हैं। और कच्चे आम की चटनी भी बनाते हैं। तो इधर हमारी चाशनी भी ठंडी हो चुकी थी और माँ ने इस आटे में घी और मावा दोनों चीज़ें मिला दी थी, और अब मैं इसमें ये आटा डाल रही हूँ और चाशनी को चला रही है माँ। और ये ही अच्छे से मिलाती है क्योंकि मुझसे अच्छे से नहीं मिल पा रहा था, तो मैंने माँ को बोला कि आप ही चलाओ और फिर हम इसके लड्डू बनाने शुरू कर देंगे। और ये हमारे यहाँ पर दूसरी बार लड्डू बन रहे हैं क्योंकि एक बार जो है काफ़ी टाइम पहले मेरी छोटे वाली ननद ने बनवाए थे माँ से बोलकर। उस टाइम पर सर्दियाँ थी तो जब उन्होंने बनवाए थे, क्योंकि माँ पहले बनाती रहती थी। तो देखिए यहाँ पर लड्डू हमारे बनने शुरू हो गए हैं, तो अच्छे लग रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं जैसे हमने बेसन ले लिया हो यहाँ पर, और खाने में भी टेस्टी लगते हैं। और कोई चीनी का यूज करता है, कोई किसी चीज़ का, लेकिन माँ ने कहा था कि हम शक्कर का यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं लड्डू हमारे। अभी थोड़े से बन जाने के बाद में मैं आपके साथ आपको दिखाऊंगी कि हमारे लड्डू देखने में कैसे लग रहे हैं। और बच्चे भी खा रहे थे, वो कह रहे थे कि बहुत टेस्टी लग रहे हैं ये, किस चीज़ के बने हुए हैं, क्योंकि उनके सामने पहली बार ही बने हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने भी बनवाने शुरू कर दिए थे ये, क्योंकि चाशनी जब तक गर्म रहती है तब तक अच्छे बनते रहते हैं, क्योंकि फिर चाशनी ठंडी होने का डर रहता है। तो इसलिए फटाफट से मैं मिला रही थी और माँ बना रही थी, और ये गरम भी लग रही थी, हल्की सी गरम तो होनी चाहिए ताकि लड्डू आसानी से बन जाए। और फटाफट से देखिए अभी बांध देंगे हम दोनों, और कितने ही सारे हमने बना भी दिए हैं। तो देखिए लड्डू बना दिए हैं माँ ने, और मैंने उन्हें इन्हें बनवाने में उनकी थोड़ी सी मदद की। और देखिए लड्डू का कलर इस तरीके के। और फिर हमारी आम भी ये जो हैं उबल चुकी थी, क्योंकि ये तो बहुत जल्दी उबल जाती हैं, तो मैंने इन्हें झरनी में निकाल दिया था और ये ठंडी भी हो चुकी हैं।
और अब यहाँ पर मैं आम की सब्ज़ी जो है वो छोंकने की तैयारी मैंने पूरी कर ली है। सब सामान यहाँ पर रख दिया है और जैसे हमने लड्डू बनाए थे तो यहाँ पर क्लीनिंग भी कर दिया है, क्योंकि मीठे के ऊपर जो है मक्खियाँ ज़्यादा आती हैं। तो यहाँ पर मैंने इसमें डाली है मेथी तेल में, और मेथी होने के बाद में ही मैंने ये आम डाल दिए हैं जो इस थाली में निकाल कर रख दिए थे निचोड़ कर। और अब इसमें बस मुझे हल्दी, नमक, मिर्च, ये तीन चीज़ें ही डालनी हैं, ज़्यादा कुछ नहीं डालना है। और आज मुझे इसमें हल्दी भी डालनी है, क्योंकि हल्दी जो है वो थोड़ी सी रह गई है इसमें मसालेदानी में। जो उन सा भी मसाला कम रहता है मैं तभी उसे डाल लेती हूँ। तो ये तीनों चीज़ें मैंने इसमें डाल दी है। अब मैं इसे चलाऊँगी और इसमें थोड़ा सा डाल दूँगी पानी और इसे ढक कर रख दूँगी। ये देखिए सब्ज़ी का कलर कितना अच्छा आया है। और बाद में डालूंगी इसमें गुड़ जब ये पक जाएगी। तो पानी हमारी फैमिली के अकॉर्डिंग इतना काफ़ी है। और फिर मुझे डालना है इसमें गुड़। जब ये अच्छे से खदक जाएगी खूब पकाऊंगी मैं इसे। गुड़ डालकर भी पकाना है और उससे पहले भी पकाना है। और खट्टे मीठे आम की सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी लगती है। और मैंने इसमें ईंधन जो है अच्छे से लगा दिया है ताकि इसके नीचे बराबर जलता रहे। तो अभी मैं इसमें आम की सब्ज़ी में जो है कच्चे आम की सब्ज़ी में ये गुड़ डालूंगी, तो ये खट्टी मीठी सब्जी बनेगी, बहुत टेस्टी लगती है खाने में। मैं भी खाऊंगा। गुड़ खाओगे आप? जाओ। थैंक यू। और आरुष को जब भी कोई चीज देता है तो वो थैंक यू जरूर बोलता है। तो गुड़ मैंने इसमें डाल दिया है, अभी इसे थोड़ा सा और पकाएंगे। और चिंकी के लिए, क्योंकि चिंकी आम खट्टा मीठे आम की सब्जी नहीं खाएगी, इसके लिए आलू बनाऊंगी ये वाले। तो अभी मैं बर्तन साफ़ करूंगी, जो नाश्ते के बर्तन हैं वो मैंने सभी इकट्ठे कर दिए हैं, अभी उन्हें साफ करूंगी और फिर बनाऊंगी चिंकी के लिए सब्जी। आलू की सूखी सब्जी खाती है चिंकी। तो फिर जैसे ही आम की सब्जी बनी तो मैंने यहाँ पर चिंकी के लिए आलू कटवा लिए थे, प्रीति ने काट कर दिए थे मुझे, क्योंकि मैं बर्तन साफ़ करने के लिए चली गई थी और उसने ये पेस्ट भी बना दिया था। और लाल मिर्च मैं यहाँ पर नहीं डालूँगी, क्योंकि इसमें हरी मिर्च, प्याज और टमाटर कटे हुए हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं मैं डालूँगी। तो जीरा मैंने डाल दिया था, अब ये सारा सामान डालकर मैं इसमें आलू डाल दूँगी। और इसे पहले फ्राई करूंगी। और आलू की सब्जी तो चिंकी की एकदम समझिए जान है बिल्कुल। हम लोग उसे डांटते रहते हैं कि इतना आलू खाना सेहत के लिए ठीक नहीं रहता है, और भी सब्जी खाकर देखा करो, नहीं तो फिर वो बोल देते हैं कि मैं तो दही खा लूँगी, आप मेरे लिए चावल बना दो, पीले चावल बना दो, उसी से मैं गुजारा कर लूँगी, ऐसे बोलती है। तो मुझे बहुत वो आता है, तो मैं सोचती हूँ इसलिए इससे अच्छा है कि इसके लिए सब्जी ही बनाऊँ, क्योंकि बच्चों के लिए सब्जी खाना भी सेहतमंद होता है। और दाल भी खा लेती है, हम बनाते रहते हैं दाल, कढ़ी। और किसी ने मुझे कहा था कि कढ़ी आप बहुत बनाते हो, देखिए कढ़ी बच्चे पसंद भी करते हैं और बड़े भी बच्चे भी, ये क्या नाम, कढ़ी और चावल सबसे ज़्यादा खाया जाता है हमारे यहाँ पर, और सबका पसंदीदा खाना भी है ये कढ़ी चावल और रोटी। तो सब्जी मैंने यहाँ पर छोंक दी है चिंकी के लिए, ये आलू दोनों को काफ़ी हैं, दोनों बहनों को, और दही मैंने उसके लिए जमा कर रखी हुई है। और मसाला इसमें मैंने डाल दिया है, हल्दी, नमक, मिर्च इसमें हरी पड़ी हुई है तो पानी भी डाल दिया है। और उधर हमने फैला रखा है नाज, अभी अभी फैलाया है। तो देखिए खाना पीना सब कुछ बन गया है और मैंने इन बर्तनों में डालकर रख दिया है, अभी सब खाना खाएंगे। तो देखिए ये बन गई है हमारे कच्चे आम की खट्टी मीठी सब्जी।
कितनी अच्छी बनी है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ आलू की सब्जी जो मैंने चिंकी के लिए बनाई है। ये रही, और खाना बन चुका है। अभी मैं सबको प्लेट में लगा कर दूंगी, और चिंकी अपने लिए लगा कर ले गई है, और शाम के लिए मैं उनके लिए दही भी जमाऊंगी। शाम को फिर कुछ अलग बनाना होता है, तो चिंकी गुड्डू को जो है दही जरूर चाहिए होती है, तो अभी मैं दही जमाऊंगी।